नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिलाषा किंकर, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिटी इन द किंकर हॉस्पिटल। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं उसे कहते हैं हाउ टू सेव यूट्रस, यानी कि हम अपने बच्चेदानी को कैसे बचा सकते हैं। हिस्टेरेक्टमी यानी एक ऑपरेशन जिसमें हम बच्चेदानी निकाल देते हैं। इंडिया में देखा गया है कि 70% औरतों की बच्चेदानी निकाल दी जाती है बहुत ही अर्ली एज के अंदर। कई बार उनकी कंप्लेंट्स रहती हैं जैसे कि पेन अब्डोमेन हो, पेट में निचले भाग में दर्द रहता है क्योंकि वो सूजन की वजह से है, दूसरा वो पानी जाने से सफ़ेद पानी जाता है या बदबूदार पानी जाता है, उन कंडीशंस में निकाल दी जाती है। कई बार बच्चेदानी के अंदर गिठाने हो जाती हैं, उन कंडीशन में बच्चेदानी निकाल दी जाती है, या फिर हम कहेंगे कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग यानी कि जो माहवारी आती है वो ठीक से नहीं आती, कभी ज़्यादा आती है तो कभी कम आती है, या इररेगुलर मेंसेस रहते हैं या पीरियड्स रहते हैं, उन कंडीशंस में ये बच्चेदानी निकाल दी जाती है। देखा गया है कि गांव में हो या शहर में हो, लोगों को लगता है कि बच्चेदानी सिर्फ और सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होती है, उसके बाद इसकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चेदानी एक बहुत बढ़िया बड़ा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के लिए और इम्पॉर्टेंट होता है औरतों के लिए, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें हमारे हार्मोन्स को मेंटेन करता है, हमारी फेमिनिटी को मेंटेन करता है। इसलिए हर छोटी बात के लिए बच्चेदानी हमें नहीं निकलवानी चाहिए। जब हम बच्चेदानी निकालते हैं तो हम ओवरीज जो होती है, जो अंडेदानी होती है जिसके थ्रू हार्मोन्स निकलते हैं, उनको भी निकाल दिए जाती है या उसकी ब्लड सप्लाई ख़त्म कर दी जाती है। कई बार हम उसे छोड़ भी देते हैं, लेकिन वो सिर्फ 2 से 3 साल काम करती है, उसके बाद हमें प्री मैच्योर मीनोपोजल सिंड्रोम आने लगते हैं। इसका मतलब ये होता है महीना जाने के बाद जो तकलीफ होती है वो हमें दिखने लगती है, जैसे कि होती है हम बार बार हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, हम कभी कभी तो खुश नज़र आते हैं, कभी हमें दुख होता है, कभी हमें बहुत तेज गर्मी लगती है, कभी हमें ठंड लगती है, या हम कई बार कि हर किसी छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होने लग जाते हैं, हमारे बाल लॉस हो जाते हैं। ये तो छोटी माइनर कंडीशंस है जिसके अंदर हमें प्रीमेच्योर सिंड्रोम्स होते हैं। बड़ी कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं जो हमारे महीना अगर बंद हो जाए या बच्चेदानी निकाल दें, वो होती है जैसे कि ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है कि बॉडी से कैल्शियम की कमी हो जाना, उससे हमारी जो हड्डियाँ होती हैं औरतों की पोसरी हो जाती है, इसलिए हमारे फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा ये होता है कि देखा गया है जिनकी बच्चेदानी निकाल दी जाती है उनको कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक बहुत जल्दी आ जाता है, या कंपैरेटिवली उन औरतों से जिनके बच्चेदानी नहीं निकालते उनको जल्दी आ जाता है। तीसरा होता है अल्जाइमर डिजीज़, इसको हम कहते हैं कि जो सोच होती है, याद जो रहती है, लॉस ऑफ मेमोरी हो जाती है, उनको याद नहीं रहता चीज़ें, वो चीज़ें भूलने लगते हैं। ये सब कंडीशंस जो होती हैं वो बच्चेदानी निकालने से, उसे हम कहते हैं प्रीमेच्योर मीनोपॉजल सिंड्रोम। हर बार ज़रूरी नहीं होता कि बच्चेदानी निकालनी ज़रूरी होती है। जैसे हम मैं पहले आपको बताया कि डिस्चार्ज पुरुलेंट डिस्चार्ज भी हो सकता है, बदबूदार डिस्चार्ज भी हो सकता है, सफ़ेद डिस्चार्ज भी हो सकता है, उसमें बच्चेदानी निकालने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले आपको इन्वेस्टिगेशन कराना होता है, जैसे हम कॉल्पोस्कोपी करा सकते हैं, पैप्समेयर करा सकते हैं, लिक्विड साइटोलॉजी करा सकते हैं। अगर ये छाले अगर जो हुए हैं बच्चेदानी के मुंह पे या जो इन्फेक्शन हुआ है वो ज़्यादा ख़राब वाला नहीं है, तो उस कंडीशंस के अंदर हम सिर्फ क्रायोथेरेपी करके या इलेक्ट्रोथेरेपी करके हम अपनी बच्चेदानी बचा सकते हैं। दूसरा मैंने बोला आपको गिठाने हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं रसौली या फाइब्रॉयड यूट्रस होते हैं। कई बार हम सोनोग्राफी कराते हैं उनमें फाइब्रॉयड्स आते हैं, क्योंकि वो तो कई बार कोई सिम्टम नहीं होता, एसिम्टोमेटिक भी होते हैं। ऐसी कंडीशन में ज़रूरी नहीं होता कि बच्चेदानी निकाली जाए। हाँ, अगर बच्चेदानी में जो गिठाने हैं वो काफ़ी बड़ी हैं, जो आपका प्रेशर इफेक्ट कर रही हैं, आपके पेशाब की थैली पे इफेक्ट कर रही हैं, आपकी लैट्रिन की जगह पे तकलीफ दे रही है, ऐसी कंडीशंस में कई बार हमको गिठाने निकालनी पड़ती हैं, या गिठान की साइज़ बहुत बड़ी है उस कंडीशंस में हमको निकालना पड़ता है। कई बार ये गिठाने जो होती हैं इनफर्टिलिटी, जब हमारी बांझपन पे इफेक्ट करती हैं, कई बार गिठाने निकालनी पड़ती है। इन कंडीशन के लिए ज़रूरी नहीं होता कि बच्चेदानी निकाली जाए, सिर्फ गिठान निकाल के, जिसे हम कहते हैं मायमेक्टमी, वो भी हम निकाल सकते हैं, चाहे हाथ से निकलवाएं चाहे दूरबीन से, इन कंडीशंस में भी हम अपनी बच्चेदानी बचा सकते हैं। तीसरा होता है कि माहवारी अगर हमें बहुत ज़्यादा आ रही है या इररेगुलर है, वो ज़्यादातर हमको किस वजह से हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस है या कोई एंडोमेट्रियल पॉलिप हो,
उन कंडीशंस में हो सकती है, वो कई बार सोनोग्राफी से हमें पता चल जाता है। अगर एंडोमेट्रियल पॉलिप है उसके लिए भी हमें पूरे की पूरे बच्चेदानी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ गिठान एक दूरबीन के द्वारा नीचे से वजाइना से डाल के हम वो निकाल सकते हैं, जिसको हम हिस्ट्रोस्कोपी कह सकते हैं। दूसरी कंडीशन जो है, जो हार्मोन इम्बैलेंस है, उसके लिए खूब सारे हार्मोन्स आते हैं जिसके द्वारा हम हार्मोन देकर पेशेंट को बच्चेदानी निकालने से बचा सकते हैं। तो बच्चेदानी निकालने के लिए पहले हमें कारण ढूंढना चाहिए। अगर उसका निवारण छोटे ऑपरेशनों से अगर हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम हिस्टेरेक्टमी या बच्चेदानी निकलवा लें। तो कभी ये ना सोचें कि यूट्रस जो है एक वेस्टिजियल ऑर्गन है या सिर्फ बच्चा पैदा करने के बाद उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। यूट्रस बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब तक कि आखिरी स्टेज ना आ जाए कि उसको निकलवाना ही पड़ेगा, तब तक कोशिश करें बच्चेदानी बचाने के लिए। फिर भी आपके कोई सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, हम उसके जवाब ज़रूर देंगे। धन्यवाद।